भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के तहत जिला ऊना की सलाहकार समिति की तीसरी तिमाही की बैठक एडीसी ऊना डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एडीसी ने बताया कि जिला में लगभग 895 फूड लाइसेंस ऑपरेटर और 9,957 फूड बिजनेस ऑपरेटर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक्ट के तहत पंजीकृत है। एडीसी ने बताया कि खाद्य निर्माताओं को प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिटर्न जमा करवानी होती है। रिटर्न ना भरने पर खाद्य निर्माताओं को जुर्माने के साथ रिटर्न भरनी होती है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस बनाने के लिए www.foodcost.fsi.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत जिला में 1 अप्रैल से अब तक 88 नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिसमें से 9 सैंपल मिस ब्रांड जबकि 5 नमूने गुणवत्ता मानकों में ठीक नहीं पाए गए, जिसके तहत खाद्य निर्माताओं को एक्ट के अनुसार जुर्माना डाला गया। एडीसी ने बताया कि मिड डे मील आंगनबाड़ी व आबकारी एवं कराधान के लिए वेंडर भी एक्ट की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने इन सभी को भी बिजनेस ऑपरेटर लाइसेंस के तहत पंजीकरण करवाने को कहा। एडीसी ने बताया कि आज हमारे यहाँ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर जो हमारी एडवाइजरी कमेटी होती है उससे संबंधित एक मीटिंग थी, जिसमें जो भी इशू हमारे सामने आए उसके बारे में मैं एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे ऊना जिला में करीब करीब 895 फूड लाइसेंस ऑपरेटर्स हैं और करीब 9,957 के करीब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं फसाई एक्ट के अंदर। जो इसमें जितने भी हमारे लाइसेंसीज हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हर साल एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है फूड मैन्युफैक्चर को लेके, जिससे संबंधित अगर वो रिटर्न नहीं भरते तो उनको साल में लेट फी लगती है। इसी तरह से सैंपल्स की अगर बात करें जो फूड सेफ्टी को लेके जो एक मेजर ड्यूटी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर, उसमें करीब करीब 88 के करीब सैंपल्स जो हैं वो ऊना जिले से 1 अप्रैल से अभी तक उठाए गए हैं, जिसमें से करीब 9 सैंपल ऐसे थे जो मिसब्रांडेड पाए गए और 5 सैंपल थे जो सबस्टैंडर्ड पाए गए। उससे संबंधित जो उस पर कार्रवाई होती है जो या तो एसी फूड सेफ्टी के थ्रू होती है या फिर एडीएम होना जो कि मेरे थ्रू होती है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। कईयों पे फाइन लगाए गए हैं, कईयों पे इन प्रोसेस हैं। इसमें जो हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है उसमें हमारे मिड डे मील वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एक्साइज के जो लिकर वेंड्स हैं वो भी उसमें आते हैं। तो इसमें एम्फेसिस दिया गया है कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और एक्साइज के लिकर वेंड्स हैं उनमें फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। इसके अलावा जो कुछ नए इनिशिएटिव हैं डिपार्टमेंट के भी ईट राइट कैंपस हैं, जो हमारे 5 कैंपस हैं जो हमने ईट राइट डिक्लेयर करने हैं। 50 ऑपरेटर्स या रेस्टोरेंट्स या होटल्स हैं जिनकी हाइजीन रेटिंग की जाएगी। और इसके अलावा हमारा रुको कैंपेन है। रुको कैंपेन मीन्स उसमें आपका जो भी जो हम रिफाइंड ऑयल फ्राइंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, 3 बार से ज़्यादा ये पाया गया है कि 3 बार से ज़्यादा अगर उसको हम फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो सेहत के लिए हानिकारक रहता है। इसलिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है हमारी कि जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है 3 बार यूज़ किया हुआ जो रिफाइंड ऑयल है उसको वो 30 रुपये प्रति लीटर गवर्नमेंट रुको इनिशिएटिव के अंडर ले रही है। और अब तक अगर हम बात करें उसका बायोडीजल के लिए यूज़ होता है और ऊना जिले में अभी तक करीब 350 लीटर के करीब जो ऑयल है रिफाइंड ऑयल है वो अभी तक यूज किया जा चुका है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अंजना की रिपोर्ट।